वेलकम, मैं हूँ कीर्ति और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है कीर्ति चास किचन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज है नवरात्रि का आठवां दिन, यानी कि महागौरी का दिन है। इनको आदि शक्ति भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है इन माँ की पूजा करने से शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। इन माँ को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, ऐश्वर्य प्रदायिनी भी कहा जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैंने महागौरी के लिए क्या क्या भोग में बनाया है। और आज के दिन हमारे यहाँ महागौरी को श्रृंगार चढ़ता है, तो आज मैं वो करूँगी। और जल्दी से आप लोग फटाफट से देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलिए मैं दिखा। बना रही हूँ माँ के लिए भोग, देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या लगेगा। ये देखिए मैंने लौकी घिस के तैयार कर लिया है, इसका पानी भी मैंने निचोड़ लिया है। तो इसी में से मैं खीर भी बनाऊंगी और लौकी की पकौड़ी भी बनाऊंगी। ये है पनीर, आज बनाऊंगी मैं पनीर के पकौड़े। ये मैंने इसके लिए घोल तैयार कर लिया है सिंघाड़े के आटे का। इसमें मैंने अभी सेंधा नमक और काली मिर्च अभी नहीं मिलाया है। ये है काली मिर्च, सेंधा नमक और ये है ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने दूध बॉयल होने को चढ़ा दिया है, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम थोड़ा सा ये देसी घी डाल के और जो ये हमने ड्राई फ्रूट्स थे उसको पहले हम लाल करके निकाल लेंगे। ये देखिए ये मेरे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल लाल हो गए हैं। अब मैं इसको कटोरी में निकाल के और इसमें मैं लौकी डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए। अब इसमें मैं ये एक मुट्ठी भर के इसमें मैं ये लौकी डाल दूँगी और लौकी को अच्छे से फ्राई करूँगी घी में। इधर मेरा दूध भी बॉयल हो जा रहा है, इधर ये मेरा ये लौकी भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो देखिए मैंने ये लौकी को अच्छे से 3-4 मिनट तक बढ़िया से घी में फ्राई कर लिया है। अब मैं इस लौकी को इस दूध में डाल दूँगी। देखिए मेरा दूध भी बॉयल हो गया है, तो गैस ऑफ करके मैं इसमें इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए मैंने लौकी को डाल दी है। अब ये धीमी आंच पे गाढ़ी होती रहेगी और हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हैं उसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब या तो आप इसमें गुड़ डाल दीजिए या आप इसमें चीनी डाल दीजिए। तो आज मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो जब तक ये हमारी गाढ़ी होगी तब तक हम दूसरी कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा घी डाल के फटाफट से जो हमने ये बैटर बनाया है इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा ये सेंधा नमक। इसी घी में हम पनीर पकौड़ा भी फ्राई कर लेंगे और लौकी की पकौड़ी भी निकालेंगे। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई कर मिक्स कर लेते हैं। और देखिए ये मेरा घी भी अच्छे से गर्म हो रहा है, इसको पूरा फैला देते हैं ताकि ये चिपके नहीं। तो ये देखिए पूरा अच्छे से फैला देने से कढ़ाई में चिपकता है। अब ये हमारा अच्छे से घी गर्म हो गया है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए मैंने सारे पनीर के पीसेस इसमें डाल दिए हैं और 1 by 1 करके हम इसमें डालते चलेंगे। देखो अच्छे से पलट लेते हैं, ध्यान से बहुत ही सावधानी के साथ बढ़िया से इसको पलट देते हैं। मैंने आंच कम कर दी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे ही हम धीरे धीरे सबको पलट लेंगे। तो देखिए खीर भी गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे और ये हमारा पनीर के पकौड़े भी रेडी हो गए। इसको हम निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए, ये मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया है, इसमें हम ये सेंधा नमक डाल देंगे और ये सिंघाड़े का आटा। इसमें अच्छे से इसका बैटर बना दिया है और अब हम जल्दी से इसकी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम आलू का भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी पकौड़ी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इधर देखिए, मैं खीर भी दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये दूध जो है वो गाढ़ा होने पर है, 5 मिनट, और उसके बाद हम इसमें चीनी डालते हैं। ये देखिए, खीर गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसमें चीनी मिला देती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ 5 मिनट, और उसके बाद ये हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरी ये खीर बनके रेडी हो गई है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस, और आपको भोग की थाली दिखाती हूँ। ये कपड़ा नहीं आना चाहिए। थाली तैयार है। ये है केले के चिप्स, कल मुझे बाज़ार में मिल गए थे, फलाहारी है। ये लौकी के पकौड़े, ये है सेब, सेब माने सेब जो अपन निकालते हैं ऐसे झाड़ झाड़ के, ये है एप्पल, पनीर पकौड़ा, और ये है लौकी की खीर। तो मैं जा रही हूँ माँ को भोग लगाने के लिए। और अगर ज़रा से भी आप लोगों को मेरा ये वीडियो और ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।